हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीएस स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में टोटल 18,500 फ्लैट्स को अलॉटमेंट किया जाना है, यानी डीडीए टोटल 18,500 फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा अपनी इस स्कीम स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में। फ्रेंड्स, जो इस स्कीम में टोटल 18,500 फ्लैट्स है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वह लोकेटेड है नरेला में, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हो या MIG कैटेगरी के फ्लैट्स हो या फिर LIG कैटेगरी के फ्लैट्स हो, सबसे ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं वो नरेला में लोकेटेड है। DDA अब तक नरेला में टोटल 25,000 फ्लैट्स बना चुका है। नरेला के अपने फ्लैट्स को सेल करने के लिए DDA ने अब तक बहुत एफर्ट्स किए हैं, बट ऑल आर वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों ने नरेला के फ्लैट्स में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण से DDA के अपने प्रीवियस अलॉटमेंट में भी काफ़ी फ्लैट्स जो हैं अनसोल्ड रह गए। फ्रेंड्स, नरेला के फ्लैट्स का अनसोल्ड रह जाने का सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉपर कनेक्टिविटी का ना होना। नरेला जो है दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं उनसे प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, और वहाँ पे दूसरी बात की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बिल्कुल लिमिटेड है, इसलिए वहाँ के फ्लैट्स जो है नहीं बिक पाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है। और वहाँ पे एमिनिटीज़ हैं या नहीं, ये तो बात की बात है। एमिनिटीज़ में सबसे पहली जो एमिनिटीज़ की कमी है वो ये कमी है कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। नरेला प्रॉपरली दिल्ली के अदर्स लोकेशन से भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए करंट स्कीम में, यानी जो स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के ब्रोशर में DDA ने लिख दिया कि नरेला में मेट्रो प्रपोज्ड है। अरे भाई, प्रपोज्ड है, कब आएगी? 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कुछ नहीं पता। आएगी भी या नहीं आएगी, आपने ऐसे ब्रोशर में लिखवा दिया कि आपके फ्लैट्स बिक जाए। जिसने भी नरेला के फ्लैट्स के लिए फॉर्म भरे हैं, किसी को भी यकीन नहीं है कि मेट्रो यहाँ पे आएगी या नहीं। 100% किसी को बिलीव नहीं है कि मेट्रो यहाँ पे आएगी भी। बट फ्रेंड्स, अब मेट्रो का ये जो सपना है ना, ये हकीकत बनने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेट्रो का जो सपना है ये हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि यदि ये हकीकत नहीं बनेगा तो DDA के एक भी फ्लैट्स बिकेंगे नहीं वहाँ पे, या जो बिक भी जाएंगे ना वो सरेंडर हो जाएंगे। जल्द ही रिठाला से बवाना होते हुए नरेला के लिए एक लूप लाइन का काम शुरू होने वाला है, ये जल्द ही शुरू हो जाएगा। वैसे तो ये प्रपोज था ही, जो दिल्ली मेट्रो के जो फेज 4 का ये पार्ट था, जो यानी जो फेज 4 में जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होना था उसका ये भी एक पार्ट था, नरेला से लेके रिठाला तक की एक लूप लाइन बवाना होते हुए आएगी। बट यहाँ पे DDA को पता है यदि मेट्रो का काम शुरू नहीं हुआ तो ये फ्लैट्स नहीं बिक पाएंगे नरेला के। और नरेला को DDA एक सब सिटी के रूप में डेवलप कर रहा है, जैसे सब सिटी उसने पहले रोहिणी को डेवलप किया, द्वारका को डेवलप किया, अब नरेला को डेवलप कर रहा है। और डेवलप करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेट्रो वहाँ पे होना। और रिठाला से लेके नरेला तक की जो मेट्रो है उसका जो बजट है 1,000 करोड़ रुपए का है, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो DDA ने उसमें से 130 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो को कल ही दे दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आज की न्यूज़ है, जिसमें DDA ने 130 करोड़ रुपये DMRC को दे दिए हैं इस मेट्रो रूट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए। क्योंकि DDA को पता है कि भाई यदि काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो जल्दी नहीं आई, तो फ्लैट्स नहीं बिकेंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने नरेला से फॉर्म भरा है उनके लिए गुड न्यूज़ है, जल्दी मेट्रो की फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। टाइम लगेगा, अब टाइम क्या, एक बार काम शुरू हो जाएगा तो देखते देखते बन जाएगा। अब देखते देखते पूरी दिल्ली में मेट्रो नहीं बन गई, पूरी दिल्ली में से मेट्रो ही मेट्रो है चारों तरफ, तो इसी तरह नरेला में भी बन जाएगी। बस एक बार काम स्टार्ट होने की देर है, 130 करोड़ रुपये तो दे दिए हैं, क्योंकि DDA खुद बहुत रेस्टलेस है इसको स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, नरेला में मेट्रो आने से वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब वहाँ के रेट्स भी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। फ्रेंड्स, नरेला सब्सिटी जो है अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है, बट आने वाले दिनों में अपने एडवांस स्टेज पे भी जाएगी, बट कब जाएगी इसका प्रेडिक्शन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग दिल्ली में लंबे समय से रह रहे हैं उनको पता होगा द्वारका के बारे में। जब DDA ने द्वारका सब्सिटी को बसाना शुरू किया, वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ की बहुत कमी थी, वहाँ पे भी लोग बड़े परेशान रहते थे, वहाँ पानी नहीं आता था, बहुत दिक्कतें थी वहाँ पे भी। बट धीरे 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 करते करते आज द्वारका को आप खुद देख लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज द्वारका में सारी एम्यूनिटीज़ है, हर तरह की सुख सुविधाएँ हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में नरेला में भी एक प्रोग्रेसिव स्टेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि आने वाले समय में नरेला में मेट्रो जल्द से जल्द चलेगी, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।